हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ओपन ऑफिस कैल्क में फाइल को सेव करना और पासवर्ड के थ्रू भी फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रो कॉलम को इंसर्ट करना, रो कॉलम को हाइड करना, उसके कंटेंट को अलग अलग तरीके से डिलीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करते हैं। ये स्प्रेडशीट आइकन पर क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो गया। इसमें कोई भी एक इंफॉर्मेशन हम टाइप कर देते हैं, हेलो, और इसे सेव करके देखते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाना है और ये सेव ऑप्शन पे आपको जाना है। जनरली सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो प्रोसेस होता है सेव करने का सेम ही होता है। फाइल मेनू में आपको जाना रहता है और सेव बटन पे क्लिक करना होता है। ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पास आपको फाइल का नाम देना है। 123 हमने दे दिया नाम, और यहाँ पास सेव एज टाइप आपको दिख रहा होगा, ODF स्प्रेडशीट .ods ओपन डॉक्यूमेंट सीट। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव विद पासवर्ड। अगर आप इस फाइल को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन हो, इस सीट की जो इंफॉर्मेशन हो, कोई और व्यक्ति ना देख सके, तो आप यहाँ पास इसे पासवर्ड के साथ भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसको पासवर्ड के साथ सेव करके देखते हैं। इसके लिए आपको इस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है सेट पासवर्ड का, जहां पास आपसे पूछा जाता है इंटर पासवर्ड टू ओपन और कंफर्म पासवर्ड। यहां पास हम पासवर्ड डाल देते हैं 12345। कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड आपको डालना है 12345। उसके बाद ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना, यह फाइल आपकी सेव हो गई। इसको क्लोज करते हैं। 1234 नाम से हमने फाइल बनाया था। ये देखिए, ये जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है। अगर हम इसमें कोई रॉन्ग पासवर्ड देते हैं, सपोज 4443 दे दिया हमने, और ओके बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। स्कूल में जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पास ये फाइल ओपन नहीं होगी। हो सकता है वहां पास ओपन ऑफिस कैल ना डाला हो, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस में या आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वहां पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो फाइल है वहां पास ओपन नहीं होगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है, ताकि आप इसके जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि ये कहीं भी फाइल ओपन हो सके। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस छोटा सा स्टेप है। फाइल में जाना है, सेव एज पे जाएंगे, तो यहाँ पास आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल 97 2000 XP.xls जो टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पास, इस टाइप में आपको सेव करना है। इस टाइप में सेव करने से बेनिफिट ये होगा कि ये जो सीट है आपका, ये जो फाइल है आपका, किसी भी जगह ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2000 XP.xls। अब इसके बाद पासवर्ड के साथ चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पास आप देख रहे होंगे 12, ये लिखा हुआ है कीप करेंट फॉर्मेट या सेव इन ODF फॉर्मेट। हम कीप करेंट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमने दिया है उसी फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं। 1234.xls ये इसका टाइप दिख रहा है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इजिली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तरह से हम फाइल में जो हमारा सीट आपको दिख रहा है उसमें कॉलम को और रो को डिलीट कर सकते हैं। चलिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन टाइप कर लेते हैं। यहाँ नेम दे दिया हमने, फादर नेम दे दिया, रोल नंबर 1 2 A B, फादर नेम AASS, ठीक है। ये हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पास एडमिशन नंबर, तो नया कॉलम जो है कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको जो भी कॉलम इंसर्ट करना है आपको, उसके बाद में जो कॉलम आपको दिख रहा है, जिस तरह से हमको ए के बाद कॉलम इंसर्ट करना है एडमिशन नंबर के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए के बाद जो कॉलम होगा, जैसे बी जहां पास आपको दिख रहा है, तो यहाँ पास हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट कॉलम्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जो बाकी रिकॉर्ड होते हैं वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पास एडमिशन नंबर दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो बस आपको कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पास आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा डिलीट कॉलम, ये ऑप्शन का आपको यूज करना है कॉलम को डिलीट करने के लिए, यहां से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
कंटेंट कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है डिलीट कंटेंट्स। अगर आप कंटेंट्स डिलीट करना चाहते हैं, कंटेंट मतलब इस कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है उसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पास मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल चेकबॉक्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप केवल टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा इस कॉलम में रोल नंबर है 1 है और 2 है, ये तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। रोल नंबर जो है टेक्स्ट टाइप की इन्फॉर्मेशन है, 1, 2 जो है वो नंबर टाइप का है। आप अगर चाहते हैं कि केवल रोल नंबर डिलीट, 1, 2 जो नंबर है वो रहे, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिख रहा है, और ओके कर देना है। दिखा, इससे क्या होगा, केवल जो टेक्स्ट होंगे वो इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी, बाकी अगर कोई नंबर टाइप का है या डेट टाइप का है या अदर टाइप की इन्फॉर्मेशन है तो वो कॉलम में रहेगी। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से इसको देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कंटेंट। अब हम केवल नंबर को डिलीट करते हैं, टेक्स्ट को छोड़ देते हैं। इससे हमारा क्या होगा, जो रोल नंबर कॉलम है वो स्टिल रहेगा, केवल उसके अंदर के जो नंबर्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये देखिए रोल नंबर डिलीट हो गया। सेम वही चीज आपको रो के साथ भी करना है, जैसे 2 है 3 है रो, इस पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट रो, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर रो को डिलीट करना है तो सेम वही चीज, इस पे राइट क्लिक करना है और डिलीट रो पे आपको क्लिक कर देना है, इससे रो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका था इंसर्ट डिलीट कंटेंट, सेम वही चीज जैसे हमने कॉलम के साथ किया था वही चीज आपको रो के साथ भी यूज करना है। सेम जैसे यहाँ पास नंबर सेलेक्ट है तो इससे क्या होगा, केवल नंबर डिलीट होंगे, टेक्स्ट जो है वो हमारे सेफ रहेंगे। करके देखते हैं, ओके किए, नंबर डिलीट हो गया, बट ए और ए जो हमारा इंफॉर्मेशन था वो ऐसे ही सेफ है हमारा। तो ये अलग अलग तरीके से हम टेबल में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम में पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, और सेम वही चीज आपका रो के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो आपने देखा कि हमने इंफॉर्मेशन को या रो को या कॉलम को डिलीट किया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन डिलीट ना हो लेकिन कोई और व्यक्ति उसे देख ना सके, अगर हाइड करना चाहते हैं, सपोज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को छिपाना चाहते हैं तो कैसे छिपाएंगे, इसके लिए आपको कॉलम पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हाइड, इस पर क्लिक करेंगे। अब ए के बाद देखिए बी जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है, उसके बाद सी सीधे आपको कॉलम दिख रहा है। कभी कल जरूरी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कॉलम को डिलीट तो नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे सीट में वो इन्फॉर्मेशन रहे तो हम उसे हाइड करके रख सकते हैं। सेम यही चीज आपको कॉलम के साथ रो के साथ करना है, राइट क्लिक करेंगे और हाइड रो। अब दोबारा इसे लाना कैसे है, जिस भी कॉलम के बीच का जो कॉलम हाइड हुआ है उसके आगे पीछे के जो कॉलम होते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पास बी ए के बाद सी सीधे आपको दिख रहा है, मतलब बी हाइड है, तो ए और बी, ए और सी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ शो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका कॉलम आ जाएगा वापस। इस तरह सेम यहाँ पास है 1 और 2, फिर 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 और 3 के बीच का जो रो है वो हाइड है, तो यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करेंगे और शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन वापस आ गई।